तो वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एंड पिछले वीडियो में मैंने बोया BY-M1 का रिव्यू किया एंड आज मैं डिजिटेक का जो लाइट स्टैंड है उसका रिव्यू करने वाला हूँ। एंड कुछ इस तरह का पैकेजिंग देखने को मिलता है, तो मैं इसका जो डब्बा है वो नीचे रखता हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड की बात कर लूँ तो यह जो डिजिटेक का लाइट स्टैंड है वो अल्मीनियम एलॉय से बना है। एंड ऊपर की तरफ आपको तीन नॉब देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह का है। आप इसे आसानी से हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड डिजिटेक मेंशन करता है कि तकरीबन 9 फीट यह स्टैंड है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इसको मेजर किया, ये तकरीबन 9 फीट से भी ज्यादा है जब इसे आप पूरी तरीके से ओपन कर दोगे तो, ठीक है। एंड साथ में मैं आपको बता दूं कि इस लाइट स्टैंड का यूज आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों के लिए कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे आप कोई भी फ्लैश लाइट के साथ भी माउंट कर सकते हो, जैसे गोडेक्स का जो फ्लैश लाइट है उसके साथ आप इस स्टैंड को आसानी से माउंट कर सकते हो, के साथ में कैमरा के साथ भी। एंड जो भी आपका पर्पज हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड ट्राइपॉड की तरह इसमें भी 3 लेग्स आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं, कुछ इस तरह का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड ओवरऑल मैं बिल्ड की बात कर लूँ तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी डिजिटेक की तरफ से हमेशा ही देखने को मिलती है, चाहे मैं ट्राइपॉड की बात करूँ या लाइट स्टैंड की। एंड मैं नॉब की बात कर ही रहा हूँ तो यह जो तीनों नॉब आप देख रहे हो यह दरअसल नॉन स्लिप फ्लिप लॉक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पहले इसे हाइट एडजस्ट करके एंड यहाँ पर मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं इसे लॉक करता हूँ एंड आप देख रहे हो कि थोड़ा भी यह हिल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से यह फिक्स कर देता है किसी एक हाइट पे, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। साथ में इसका मैं प्राइस की बात कर लूँ तो अमेजोन पे इसका प्राइस तकरीबन अभी 650 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड जनरली इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 650 से 700 के बीच में ही रहता है। एंड मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो मुझे केवल एक इसका एक पैकेजिंग मिला डिजिटेक का, इस तरह का, उसके अलावा मुझे कोई भी इसके साथ बैग नहीं मिला है। क्योंकि काफी लोगों का मैंने कमेंट भी देखा है अमेजोन पर रिव्यू के दौरान, उन लोगों ने बोला है कि इसके साथ कोई बैग नहीं आ रहा है, तो जी हाँ मुझे भी कोई बैग नहीं मिला है। मैं इसे पिछले 1-2 महीने से लगातार यूज कर रहा हूँ, तो जो मेरा रिव्यू था वो आपका जानना बहुत जरूरी था क्योंकि काफी लोग इसे परचेज करने वाले हैं एंड कमेंट में पूछ भी रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू कर ही लेता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी रिव्यू वीडियो। एंड यह जो लाइट स्टैंड है डिजिटेक का, आप अमेजोन पर चेक करोगे तो 9 फीट से भी कम का आपको देखने को मिलेगा, 6 फीट का अगर आप लेना चाहते हो तो उसे भी आप बाय कर सकते हो, उसका भी प्राइस लगभग सेम ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो यह लाइट स्टैंड काफी अच्छा ही है। एंड आप अपना देख लो कि आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए या वीडियोग्राफी के लिए, सभी चीजों में यह परफेक्ट वर्क करता है। एंड ध्यान रखिए कि अगर आप लाइट माउंट करना चाहते हो इसके ऊपर तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। तो ये था एक मेरा पर्सनल ओपिनियन, एंड आप इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में ये भी बताना कि कितने लोग लाइट स्टैंड को यूज करते हो, खास करके डिजिटेक जैसी कंपनी का। एंड अगर रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक कर देना, साथ में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियो में और भी आगे लाने की कोशिश करूंगा। एंड पिछले दिन का मैंने बोया BY-M1 का जो रिव्यू किया हो वो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जा सकते हो, ठीक है। एंड साथ में जो लोग इस लाइट स्टैंड को बाय करना चाहते हो उसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके थ्रू भी जाके बाय कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।